हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपनी डीपी क्लास पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आज का सेशन में। क्लियर है? कैसे आप सभी? बढ़िया है। आज हमारा क्या लास्ट डे है मैथ्स के महाकुंभ के सीरीज़ का। ऑलरेडी हम 9 वीडियोस बना चुके हैं इस सीरीज़ पर, जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? देखिए कि नहीं देखिए, अगर नहीं देखिए वीडियोज़ तो जल्दी से देख लीजिए। प्ले लिस्ट भी उसकी बन चुकी है और आपको मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगी आपको मैथ्स के महाकुंभ की सीरीज़। क्लियर है? तो फिर आज की वीडियो में क्या करते हैं, आज क्वेश्चंस नहीं करेंगे, मेनली क्या करेंगे, रिवीजन पूरा कर लेंगे सभी चैप्टर्स का। जो भी बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पूरा रिवीजन करते हैं सभी चैप्टर्स का, जिससे कि हमारी सभी चैप्टर्स भी कवर हो जाएंगे और उनके जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा लगा आइडिया तो जल्दी से दिल दिखा दीजिए, फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। अच्छा लगा आइडिया रिवीजन का, कि पूरे चैप्टर्स का रिवीजन करते हैं मेनली, जिस जो जो बेसिक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको कवर करते हैं। क्लियर है? अगर रेडी है तो जल्दी से लिख दीजिए सुपर डुपर रेडी। और आज की क्लास होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्लियर है? क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, मेनली फॉर्मुलेस पे ही फोकस करेंगे और जो भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का वो देखेंगे, जिससे क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। क्लियर है? रेडी हैं? जल्दी से लिख दीजिए सुपर डुपर रेडी, जल्दी से। फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। करें स्टार्ट? चलिए फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। कॉपी पेन लिए हो कि नहीं लिए हो? नहीं लिए हो, जल्दी से लिख के बैठ जाइए, छूट जाएगा। फिर क्या करोगे? फिर कहोगे सर आपने बताया नहीं, लेकिन सर ने बताया था। क्लियर है? चलिए ये देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला। क्लियर है? मेंस्ट्रुएशन से ही कर लिख लेते हैं इसको। क्लियर? देखिए सबसे पहले इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूले तो सभी फिगर्स के पता होने चाहिए। फॉर्मूलेज एक्चुअली मैं लिख नहीं रहा हूँ, मिल जाएंगे आपको, आपके पास लिखे भी होंगे। फिगर देख लीजिए कौन कौन सा आएगा हमारा। सबसे पहले सिलेंडर फॉर्मूले आप देख लीजिएगा, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, सभी के लिए। कोन, क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर। क्लियर है? मेनली हमारे कुछ ये 5 फिगर्स हैं जिनको हमें अच्छी तरीके से आपको देखना है। इनके फॉर्मूले जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट में आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ सकता है, क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्लियर? एक आध हमने क्वेश्चन भी किए हैं सीरीज़ में, उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में या फिर नॉर्मल डायरेक्ट वैल्यूज गिवन होगी, फाइंड करना पड़ेगा एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? बॉल्स का एरिया होता है सभी बॉल्स का। और ये किस किस में होता है कर्व सरफेस एरिया? सिलेंडर में होगा, कोन में होगा, क्यूबॉइड में पूछ सकते हैं, और इसमें साइड की वॉल्स हैं वो, बट स्फीयर में नहीं होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर है? चलिए तो 5 फिगर्स आप अच्छे से देख लीजिएगा, इनके फॉर्मूले टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए। नाउ अब इसमें सबसे पहले हमारा क्या है मेन, देखिए मेंस्ट्रुएशन में सबसे, देखिए बता रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट कैलकुलेशन में हेल्प करेगा वो है आपका 11 का मल्टीपल। क्लियर है? कोई भी फॉर्मूला उठा लीजिए सर, कोई भी, सभी में पाई तो आएगा ही आएगा। पाई आएगा तो 22/7 आएगा, और 22 आएगा तो उसमें भैया 11 आएगा। क्लियर है? दैट मीन्स लास्ट में 11 से मल्टीप्लाई करना मैंडेटरी ही है, किसी में नहीं कटेगा, बहुत ही कम चांसेस हैं जिसमें 11 कैंसिल हो, अदरवाइज इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई की मैं ट्रिक बता चुका हूँ एक बार, नहीं देखी है तो कोई नहीं, फिर से देख लीजिए। मैं अभी जल्दी से बता देता हूँ सॉल्ट में किस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं 11 से। चलिए कोई भी नंबर है, लेट से 341, उसको मैं क्या करना है सर, 11 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? 11 से मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले लास्ट डिजिट को एज इट इज लिखिए, लास्ट डिजिट एज इट इज, देन लास्ट प्लस प्रेसीडिंग, लास्ट डिजिट प्लस प्रेसीडिंग, 1+4=5, एंड देन अगेन दिस वन एंड दिस प्रेसीडिंग, मीन्स ये वैल्यू उसके पहले वाली, 4+3=7, एंड एट लास्ट स्टार्टिंग की वैल्यू 3751, ये हो गया 341 इंटू 11 का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? विद इन सेकेंड्स में। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, वन डिजिट में मेंटेन करना है कैसे, कभी मान लीजिए इस टाइप का कुछ आ जाए हमारा तो ये कैसे करेंगे देख लेते हैं। लास्ट डिजिट एज इट इज़, आफ्टर दैट लास्ट प्लस प्रेसीडिंग, तो 7+3=10, तो ओनली 0 को यहाँ मेंटेन करेंगे, 1 कैरी आ जाएगी। क्लियर है? आफ्टर दैट 7+4=11, 11+1=12, तो 2 यहाँ 1 कैरी, एट लास्ट 4+1=5, तो ये हो गया हमारा 473 इंटू 11 का मल्टीप्लीकेशन। आई होप आपको क्लियर होगी ट्रिक, 11 की अच्छी है, इसका काफ़ी यूज़ आपको देखने को मिलेगा मेंस्ट्रुएशन में। मैं डेफिनेटली कहता हूँ अगर आप ये ट्रिक का यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए तो काफ़ी आपका टाइम
बच सकता है, सेव हो सकता है, जिसको कि आप आगे यूटिलाइज कर सकते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस में, मेनली स्टेटिस्टिक के। क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर है। इसको रफ कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है, ट्रिक है ये किसके लिए, कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी करने के लिए। क्लियर है? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं अब हमारा। जो भी इस पर मेनली क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग के फॉर्म में, वो तीन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। हो सकता है फर्स्ट वाला हमारा कौन सा होता है, रिकास्ट, सेकंड कॉम्बिनेशन, एंड थर्ड वन इज कार्व्ड आउट। क्लियर है सर? आई होप आपको तीनों टर्म्स क्लियर होंगे। रिकास्ट मतलब एक फिगर है, उसको मेल्ट किया किसी भी तरीके से, उसको सेकंड फिगर में दूसरे फिगर में चेंज कर दिया है। एक फिगर है कोई भी, मान लेट से सिलेंडर है, सिलेंडर होगा उसको मेल्ट करके पिघला के हमने कोन का शेप दे दिया है, तो उसमें कोई एक डायमेंशन पूछ सकते हैं कि इसकी हाइट या रेडियस, या इसकी हाइट या रेडियस पूछ सकते हैं। तो वो कैसे टाइप से फाइंड होती है, देखिए जब भी रिकास्ट करते हैं किसी फिगर को, तो ओनली एंड ओनली वॉल्यूम ही ऐसी चीज़ है जो कि सेम रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, वॉल्यूम ही कॉन्स्टेंट रहती है, बाकी सब कुछ चेंज हो सकता है और हो जाता है। क्लियर है? चाहे तो आप सेम भी रह सकते हैं, अदरवाइज चेंज हो जाता है, बट वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? रिकास्ट में वॉल्यूम रिमेन सेम या कॉन्स्टेंट। क्लियर है? एंड वन मोर थिंग, जब अगर इस पर बेस्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें सॉल्यूशन की टाइम, लेट्स से यहाँ पर अगर हमें v1=v2 करके पुट करते हैं, तो आप पहले कैंसिल आउट करिए, आफ्टर दैट सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है, पूरा कट जाता है नॉर्मली, मैक्सिमम टाइम्स कैंसिल आउट हो जाते हैं सभी दोनों साइड के टर्म्स, और एक दो टर्म्स बचते हैं जो कि नॉर्मल कैलकुलेशन से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? तो याद रखिएगा, कैलकुलेशन मत करिएगा, पहले कैंसिल आउट करिएगा, पाई से पाई, 3, 4 व्हाटएवर जो भी नंबर्स होंगे उनको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्लियर है? आफ्टर दैट सॉल्व करके ईजिली आ जाएगा हमारा जो भी फाइंड करना होगा, हाइट और रेडियस व्हाटएवर। कॉम्बिनेशन में भैया पता होगा, दो तीन फिगर्स को मिला के एक सॉलिड बनाते हैं। लेट्स से एक सिलेंडर सर, सिलेंडर के ऊपर हमने एक कोन बना दिया, लो भैया कॉम्बिनेशन बन गया टू फिगर्स का, लो भैया कम है, नीचे इस पर लगा दिया, एक और बन गया, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया फिगर्स का। तो इसमें क्या करते हैं, वॉल्यूम पूछेंगे, तो तीनों की वॉल्यूम ऐड कर दीजिए, जितने भी फिगर्स होंगे उन सबकी वॉल्यूम ऐड होगी। सर भैया देख लीजिए, वॉल्यूम विल बी एडेड, वॉल्यूम ऐड होगी सर, याद रखिएगा, एंड टोटल सरफेस एरिया विल ऑल्सो बी एडेड, और भी कहीं से ऐड, क्लियर, एडिड नहीं आएगा ना, विल बी एडिड, ऐड आएगा, कोई नहीं, क्लियर, एक्चुअली मैथ की क्लास है ना कि इंग्लिश की, कोई नहीं, ठीक है। कर्व्ड आउट में ये भी क्लियर, मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चंस करा चुके हैं इस पर। लेट्स से एक सिलेंडर, सिलेंडर में से एक कोन को कट कर दिया है, तो जो बचा हुआ मटेरियल है, बचा हुआ जो पार्ट है, उसकी वॉल्यूम बताइए, उसका टोटल सर्फेस एरिया बताइए। तो उसमें देखिए, इसमें वॉल्यूम क्या होगी भैया, वॉल्यूम विल वी सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट होगी भैया, किसमें से कौन सी होगी, ये तो क्लियर होनी चाहिए वैसे आपको, जिसमें से कट कर रहे हैं फिगर को, जिस फिगर में से दूसरे फिगर को कट कर रहे हैं उसमें से उसकी कट होगी, इसकी उसकी करके सबकी हो जाएगी, मीन सिलेंडर में से कौन को कट करेंगे तो वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, और टोटल सर्फेस एरिया सर इसमें भी ऐड ही होगा, टोटल सर्फेस एरिया विल वी एड, आई थिंक एडिड ही आना, चलिए कोई नहीं, बट क्लियर है। तो इस टाइप के हो गए कर्व्ड आउट वाले। सबसे मेन रिकास्ट में याद रखिएगा, 11 का मल्टीपल काफ़ी यूजफुल रहेगा पूरी मेंस्ट्रुएशन में, और यहाँ पर कैलकुलेशन के टाइम जितना हो सके पहले काट दीजिएगा, रिड्यूस कर दीजिएगा, आफ्टर दैट सॉल्व करिएगा। क्लियर है? कॉम्बिनेशन में वॉल्यूम ऐड हो जाएंगी सभी फिगर्स की, टोटल सरफेस एरिया भी ऐड हो जाएगा, कर्व्ड आउट में वॉल्यूम ऐड होगी, वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट होगी, सॉरी सर वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट होगी बट टोटल सरफेस एरिया ऐड होगा। क्लियर है? मेंस्ट्रुएशन में इसी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई होप आप सभी फॉर्मूले को एक बार जरूर रिवाइज कर लें जाने के पहले, जिससे कि आपको एक प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े एग्जाम में। क्लियर है? इसको रफ कर दें, मेंस्ट्रुएशन में बस यही हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कुछ नहीं है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आएगा एक मेन जो आता है, अदरवाइज फॉर्मूले पे तो शॉर्ट में आ सकता है, तो मेन इस पे फोकस करिए, रिकास्ट कॉम्बिनेशन कर्व्ड आउट, इन तीनों पे जितने क्वेश्चन हो सके ट्राई कर लीजिए, इसमें से डेफिनेटली आपको मिलेगा। फिर आप कहेंगे सर आपने बताया नहीं, हमने बताया था कि इसमें से मिलेगा, भैया मिलेगा तो मिलेगा। क्लियर है? देख लीजिएगा पेपर में। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए, आई होप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू। चलिए इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। इसमें
क्वेश्चन तो भी कोई ट्राई करा नहीं रहा है, बस मेनली मैंने कहा है कॉन्सेप्ट बता देंगे जिस पर क्वेश्चन बेस्ड हो है आने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट भैया क्या आएगा हमारा, ट्रिग्नोमेट्री ले लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। क्लियर है? इसमें भी अगेन सर ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले फॉर्मूले सभी याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख देते हैं। लेट से ये वाली प्रॉपर्टी यूज होना चाहिए, साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा, इसको रिलेशन इंपॉर्टेंट, 1 + tan² θ इज इक्वल्स टू sec² θ, 1 + cot² θ इज इक्वल्स टू cosec² θ। क्लियर है? याद कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट तीनों रिलेशन, और इसकी रेसिप्रोकल रिलेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, sin θ · cosec θ इज इक्वल्स टू 1 cos θ · sec θ इक्वल्स टू 1 tan θ · cot θ इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट इज टेबल। ये टेबल तो लर्न होनी पड़ेगी, आपको करनी ही पड़ेगी, टेबल कर लेना लर्न, अच्छी बात है कर लेना, साइन की तो भी लर्न कर ही लो जिससे कि आप बना सके पूरी। क्लियर है? मैं 2 मिनट में भी आपको बना के दिखा देता हूँ किस टाइप से बना सकते हैं, साइन कॉज टेन कॉट कोजैक सेक। क्लियर है? 0 30 45 60 90। क्लियर है? साइन की अगर आपने लर्न कर ली, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। बस इसके बाद कुछ नहीं करना है, पूरा आप इसकी हेल्प से बना सकते हैं। साइन की डायरेक्ट आपने लर्न कर ली, कॉस की उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, 1 √3/2 1/√2 1/2 1 0। क्लियर? टेन तो पता ही है साइन अपॉन कॉस होता है, तो डिवाइड कर दीजिए 0/1। इसमें भी कन्फ्यूज होगा कि 0 आएगा कि इन्फिनिटी आएगा कि 1 आएगा क्या आएगा। भैया जब 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। 0 को कभी भी किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0। 1/2 / √3/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, 1/√3, ये पूरा कैंसिल आउट 1, यहाँ पर ओनली √3, यहाँ पर 1/0। और किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं, तब आता है हमारा इन्फिनिटी। क्लियर है? जब 0 को किसी भी नंबर से करेंगे देन 0, और जब किसी भी नंबर को 0 से करेंगे देन इन्फिनिटी। क्लियर है? ना अब कॉट में 10 का रिवर्स, कॉट में 10 का रिवर्स सर, तो इन्फिनिटी √3 1 1/√3 0। नाउ कोजेक के लिए क्या होगा, कोजेक में पता है क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 1/sin करेंगे तो सभी की वैल्यूज आ जाएंगी, तो 1/0 इन्फिनिटी, 1/1/2 2, 1/1/√2 √2, 1/√3/2 2/√3, एंड 1/1 1। सेक में इसका रिवर्स कर दीजिए या फिर कॉस का रेसिप्रोकल, तो जाएगा हमारा 1 2/√3 √2 2 इन्फिनिटी। क्लियर सर? योगी टेबल बस साइन के लिए लर्न कर लीजिए, उसकी हेल्प से आप पूरी टेबल बना सकते हैं। नहीं बनाना, नहीं करना लर्न वो भी साइन भी, कोई नहीं, एक ट्रिक है, अगर अच्छे लगे तो यूज़ कर लीजिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। क्लियर है? आइए ट्रिक देख लेते क्या है। सबसे पहले 4 4 44 है ना सर यहाँ पर, अरे रुको सर गलत हो गया, 1 मिनट, 0 1 2 3 4। क्लियर? 0 1 2 3 4, सभी को 4 से डिवाइड, 4 4 4 4 4, एंड अंडर रूट। क्लियर? याद कुछ नहीं करना, 0 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4 4 4 4 4, और सब में अंडर रूट, तो 0/4 0, 1/4 1/2, 2 से 4 2 times, तो 1/√2, ये √3 y 2, 4 से 4 कैंसिल आउट 1, तो ये हमारे साइन के लिए बन जाएगी। फिर इसकी हेल्प से बना सकते हैं, अगर साइन की भी लर्न नहीं करना है, इतना आसान कर दिया भाई आपके लिए, अब तो कर लोगे आई थिंक, है ना, कर लोगे भी। टेबल इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट टेबल पे बेस्ड, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में काफ़ी यूज़ होता है हमारा टेबल के, इसलिए दैट्स वाई। क्लियर है? आई होप क्लियर है, टेबल आप कर लेंगे मुझे पता है, बिल्कुल भरोसा है आप पर। और ये कुछ रिलेशंस फॉर्मली जरूर देख लीजिएगा, रेसिप्रोकल के, इसको रिलेशन के। क्लियर है? क्योंकि आइडेंटिटीज भी पूछ सकते हैं। एंड हाइट एंड डिस्टेंस का यहीं पर देख लेते हैं छोटा सा पार्ट, कुछ नहीं है उसमें। जब भी हम कभी भी अपनी हाइट से या अपने लेवल से कोई ऊपर की चीज़ को देखते हैं, अपनी टॉप हाइट को देखते हैं, टॉप ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने हेड को अप करना पड़ता है एक पर्टिकुलर एंगल से,
तो वही एंगल होता है। मान लीजिए यहाँ पर है, रोड पर हैं, रोड पर खड़े भैया हम स्ट्रीट पर बीच रास्ते में खड़े हैं, हमने देखा कि एक पतंग उड़ रही है, अच्छी लग रही थी भाई, काफ़ी अच्छी पतंग थी। तो अब उसको देखने के लिए हम सीधे तो देखेंगे नहीं, पतंग को देखना है तो भाई थोड़ा ऊपर ही तो देखना पड़ेगा। तो भैया हमने ऊपर देखा इस टाइप से, तो भैया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई एक एंगल फॉर्म होगा, डेफिनेटली होगा। अरे बोलो, होगा होगा, बोलो ना, होगा ना, वही होता है सर। क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर है, वेरी गुड। नाउ ये हो गया कब? जब हम अपनी हाइट से ऊपर के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। जब हम अपनी हाइट से नीचे के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, लेट से अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर मान लीजिए कुछ ग्राउंड पे डला है, रूम में डला होगा, तो हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपना सर थोड़ा सा हेड को डाउन करना पड़ेगा। दैट मीन्स कोई किसी एक पर्टिकुलर एंगल से क्या कर रहे हैं, हम डाउन कर रहे हैं अपने हेड को। लेट से ये हो गई हाइट, ये हो गया ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अब जो एंगल फॉर्म होगा, एंड एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ही फॉर्म होगा। तो हॉरिजॉन्टल के लिए इस पर डॉट लाइन से कर लेते हैं। सो ये हमने कितने एंगल से क्या किया है, डेविएट किया है थीटा एंगल से। तो ये एंगल इसमें क्या होता है हमारा, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, सॉरी डिप्रेशन और डेविएशन, वट एवर, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? जब ऐसा नहीं है, जब उदास हो जाते तो नीचे हो जाते हम, उदास हो जाते तो हेड का जो डाउन हो जाता, तो मींस डिप्रेशन से याद रख सकते हैं नीचे वाला एंगल। और एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज इक्वल होते हैं ये हमारे। लेट से यहाँ पर अगर हम इसको ग्राउंड से जॉइन कर दें, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? ये हो गया हाइट एंड डिस्टेंस का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें मेनली ये तीनों टेबल यूज होंगी, 30, 45, 60, और मेनली 10 के लिए यूज़ होता है ये वाला। हाइट एंड डिस्टेंस में मेनली क्वेश्चंस 10 पर ही डिपेंड होते हैं, 10 पर ही बेस्ड होते हैं, तो इसकी हेल्प से हो जाते हैं। बट किस किस से में आ सकता है ये, तो ये इसलिए मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि इसी से होंगे, होंगे तो तीनों से, बट मेनली इसी हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया पूरा हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा अच्छे खासे, प्रैक्टिस करिए। अभी प्रैक्टिस पे ही है, हम 10 करा देंगे, 12 करा देंगे, 20 करा देंगे, 100 करा देंगे। क्लियर? 100 तो कराए दिए होंगे, कितने हो गए हैं पता है? ले कोई नहीं, तो एक लिमिटेड करा सकते हैं ना, पर आप तो कर सकते हैं अनलिमिटेड, इसलिए आप प्रैक्टिस करिए। और डाउट है तो पूछ लीजिए टेलीग्राम पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, एकदम हैंड रिटन मिलेगा, कोई डाउट नहीं होगा, पूरा आपको अच्छे से समझा देंगे। क्लियर है? डाउट जो भी आपका होता है, चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा। चलिए इसको रफ कर देते हैं। बताइए भैया नेक्स्ट कौन सा चैप्टर ले लें? क्या बोलो, बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग, सही हो मतलब, हमें हम बोले यार, तुम लोग तो बोल ही नहीं रहे हो हैं। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, देख लेते हैं सिक्वेंस एंड सीरीज, देख लेते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? सिक्वेंस एंड सीरीज आई, तो इसमें एपी ये अकेला हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसपे लेट से A1, A2, A3, A4, An तक। क्लियर? इस टाइप से हमारा एक सीरीज गिवन है, प्रोग्रेशन गिवन है। तो उसमें इसके लिए क्या क्या होता है, ये एपी में है, ये कैसे पता चलेगा हमें? सर ये एपी में अगर होगी तो इसमें हमारा क्या होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। दैट मीन्स A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2 के, इक्वल होगा A4 माइनस A3 के, एंड इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं लास्ट तक। तो हमेशा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, बट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, इस टाइप से चेक करते हैं। क्लियर है? तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो ये सीरीज किस में, एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। क्लियर है? फॉर्मूले देख लेते हैं इसके। तो ये इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है वो डायरेक्ट फर्स्ट टर्म ही हो जाएगा, जो भी पहला टर्म होगा फर्स्ट टर्म, डी हो जाता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है? मीन्स लेट से T2 माइनस T1 इस टाइप से लिख सकते हैं, या फिर A2 माइनस A1। क्लियर है? एंड लास्ट टर्म होता है सबसे लास्ट वाला टर्म, दैट इज़ An। अब इसके लिए फॉर्मूले क्या होता है, सबसे पहले जनरल टर्म को नोट करते हैं, T1 से भी होता है कहीं कहीं, A1 से भी होता है, तो उसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा।
जनरल टर्म के लिए जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होता है हमारे जनरल टर्म का फॉर्मूला। इससे कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, तो हम बता सकते हैं फिफ्थ नंबर पे कौन सा टर्म होगा, एट नंबर पे कौन सा होगा, 20 नंबर पे कौन सा टर्म होगा इसके फॉर्मूले की हेल्प से। और यही फॉर्मूला यूज़ होता है लास्ट टर्म, जब लास्ट टर्म गिवन हो तो टेन की प्लेस पुट कर देते लास्ट टर्म, ए गिवन, ए भी गिवन होगा, डी भी गिवन होगा, एन फाइंड करने के लिए आता है मेरी लास्ट टर्म पे, तो उसकी हेल्प से हम ये लास्ट टर्म के लिए भी हो जाएगा, तो एड इक्वल्स टू टी एन, क्लियर है। लास्ट टर्म की हेल्प, इसका यूज़ लास्ट टर्म में भी हो जाता है हमारा, क्लियर है। नाउ सम के लिए, सम ऑफ एन टर्म्स, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जब भैया लास्ट टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है तो उसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं एन बाई टू ए प्लस एल, सम ऑफ एन टर्म्स। और इसी का भी एक फॉर्मूला होता है, मान लीजिए लास्ट टर्म नहीं है गिवन तो कोई नहीं, लास्ट टर्म के प्लेस पे पुट कर देते हैं हम ए प्लस एन माइनस वन डी, तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं नॉर्मल जब लास्ट टर्म गिवन नहीं है, क्लियर है। तो योग सम के लिए फॉर्मूला, क्लियर है, योग जनरल टर्म, योग सम के लिए फॉर्मूला ए पी सीरीज़ का। इसमें पूछ सकते हैं अर्थमेटिक मीन, तो ये अर्थमेटिक मीन तो क्लियर ही है, कुछ नहीं है उसमें, दोनों टर्म्स का एडिशन डिवाइड बाई टू, अर्थमेटिक मीन आएगा, क्लियर है। अब इसमें आता है नेक्स्ट कुछ नंबर्स को इंसर्ट करने पे, कि थ्री नंबर्स का सम ये है जो कि एपी में इस टाइप के, तो अगर ऑड नंबर्स होते हैं तो ऑड नंबर्स के लिए देख लीजिए, वेन नंबर्स आर ऑड, तो ऑड में किस टाइप सेलेक्ट करते हैं, मिडिल टर्म ए, इस साइड ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, और यहाँ पर ए माइनस डी, ए माइनस टू डी, और ये यहाँ पर भी इस टाइप से मूव होता जाएगा, डिपेंड करेगा नंबर्स पर कितने नंबर्स को गिवन है। थ्री नंबर्स होंगे तो ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, फाइव होंगे तो ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए माइनस डी, ए माइनस टू डी, क्लियर, इस टाइप से कर सकते हैं। नाउ अगर इवन होंगे, इवन नंबर होंगे हमारे, तो क्या क्या आता है, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी, क्लियर है। यहाँ पर डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसके अकॉर्डिंग हम लैड करते हैं नंबर्स को। इवन नंबर्स में ये होगा कॉन्सेप्ट चलता है, ऑड में ये चलता है, क्लियर है, अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया आपको, क्लियर है। जब नंबर्स को लैड करना पड़ता है, प्रॉब्लम भेज आता है, तो उसमें ये यूज़ होता है कहीं कहीं पर, क्लियर है। तो ये होगी सीरीज़ हमारी, फॉर्मूले बता दिए सिक्वेंस सीरीज़ का, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा एपी में से, क्लियर है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, रफ कर देते हैं फिर इसको, इसमें और कुछ आई थिंक तो रह नहीं गया ना, सब कुछ हो गया है, चलिए ठीक है। अगर पूरी आप जो जो बता रहे हैं भैया आज पूरा फॉलो कर लेते हैं और पढ़ा है अगर आपने साल भर अच्छे से, तो 90 प्लस तो वही कहीं नहीं है मार्क्स, मीन्स 90 प्लस का मतलब ये हो गया कि 90% से प्लस, दैट इज़ कितने जाएंगे भैया, 40 के 90% बताएगा कोई, बताओ 40 के 90% 36 प्लस, ठीक है, 36 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर ले लेते हैं हम अपना प्रोबेबिलिटी, छोटा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, क्लियर, कुछ नहीं देखना इसमें, तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी मीन्स रिकॉर्ड प्रोबेबिलिटी जो भी फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा यहाँ पर। बस थ्योरी पर थोड़ी ज़रूर आप फोकस करिएगा, थ्योरी लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे से तो फिर मार्क्स देने में वो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो काट देंगे, तो थ्योरी लिखेंगे तो उन्हें लगेगा थोड़ा सा अच्छा, तो फुल मार्क्स मिलेंगे, क्लियर है। तो रिकॉर्ड प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्लियर सर, याद रखिएगा फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है पूरी प्रोबेबिलिटी में, नॉर्मल जो जनरल फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, न्यूट्रल का मतलब जो पूछा है जो कि हमें निकालना है वो आएगा अपॉन में टोटल जितना कुछ बन सकता है। एक एग्जाम्पल देते हुए बता देते हैं आपको, लेट्स से एक कॉइन को हमने टॉस किया है तो उसमें क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, तो उसमें उन्होंने कहा कि एक कॉइन को उछालेंगे टॉस करेंगे तो उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, टेल तो भैया एक ही बार आएगा, दो में से या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टेल क्या है, एक ही चांसेस है, तो यह आएगा रिकॉर्ड प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ चांसेस वन टोटल में से, कितने में से, दो में से, तो वन बाई टू, इस टाइप से होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्लियर है। नाउ अब इसमें मेनली किस किस पर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, कार्ड्स पे, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्ड्स पे बिल्कुल देखने को मिल सकता है, 52 कार्ड्स होते हैं,
आई होप पता हो आपको, बता भी चुका हूँ मैं पहले। 52 कार्ड्स में से 2 टाइप्स के होते हैं, ब्लैक एंड रेड। क्लियर। ब्लैक में 2 टाइप्स के होते हैं, स्पेड क्लब। रेड में वैगन 2 टाइप्स के, डायमंड हार्ट। और ये 13 कार्ड्स होते हैं, 2 से तो पहले काउंटिंग होती है, 2, 3, 4, 5, 6, 10, देन जैक, क्वीन, किंग, एस। क्लियर है। ये 13 कार्ड्स होते हैं सभी में, क्लब हो, डायमंड हो, हर्ट हो, सभी में होते हैं 13 कार्ड्स। तो टोटल कितने जाएंगे, 52। ये होते हैं नॉर्मली नंबर्स कार्ड्स, ये होते हैं हमारे फेस कार्ड्स। जैक, क्वीन, किंग, याद रखिएगा, जैक, क्वीन, किंग होते हैं फेस कार्ड्स। और टोटल होते हैं कितने फेस कार्ड्स, 12 फेस कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स में से। तो उस पर बेस्ड भी पूछ सकते हैं, फेस कार्ड बताइए कितने हैं, ये वो व्हाटएवर जो भी हो। क्लियर है। तो याद रखिएगा, कार्ड्स पे इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, कॉइन पे भी चांसेस हैं कि 1 कॉइन, 2 कॉइन या 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स तक ही आ सकता है मेनली। 3 कॉइन्स में कंडीशन निकालना आपको आना चाहिए। अगर आपको निकालना है कि किसी भी इस टाइप के में कितनी टोटल कंडीशंस फॉर्म होती हैं, तो पता होना चाहिए कि जो भी सिंगल टाइम में कंडीशन फॉर्म होती है वो आता है बेस। लेट्स से कॉइन के लिए बता दे रहे हैं, 3 कॉइन के लिए हमें निकालना है। तो जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड या टेल आता है, 2 कंडीशन, और पावर होती है एन। ये हो गया जनरल, किसी भी के लिए भी, ओनली कॉइन में बता रहे हैं हम, के लिए कॉइन के लिए ये। और डाइस के लिए होता है तो उसमें 6 की पावर एन आता है। अब एन क्या है, कितने टाइम्स उसको हम रिपीट कर रहे हैं। लेट्स से कॉइन को 3 टाइम्स हमने किया टॉस, तो 2 की पावर 3, तो हो जाएगा हमारा 8। टोटल 8 कंडीशन बनेंगी। ऐसे ही डाइस, अगर डाइस को एक बार डाइस को रोल करने पर 6 कंडीशन होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब डाइस को कितने टाइम्स रोल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। लेट्स से 2 टाइम्स कर रहे हैं तो 6 की पावर 2, 36। तो 36 कंडीशंस बनेंगी। इस टाइप से आप कंडीशंस फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी केसेस में कितनी कंडीशंस बन रही हैं, उसके हेल्प से आप बना सकते हैं। क्लियर है। कॉइंस पर इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। कार्ड्स पर हो गया है, और एक बॉल्स वाला भी पूछ सकते हैं। किस पर? बॉल्स पर, कि इस बैग में इतनी बॉल्स हैं, ये बॉल्स निकालेंगे, वो बॉल्स निकालेंगे, तो इस टाइप का भी देखने को मिल सकता है। क्लियर है। और एक वो लीपियर वाला ज़्यादा देखने को मिलता है। नॉर्मली होते हमारे कितने, 365 डेज, ठीक है, 365 दिन होते हैं नॉर्मल ईयर में। और लीप ईयर में कितने होते हैं भैया, 366। तो उसमें ये पूछ सकते हैं कि देखिए, ये पता होना चाहिए आपको, 1 वीक का होता है, 7 डेज का होता है 1 वीक, और 52 वीक्स होते हैं 1 ईयर में, तो 4, 1 कैरी, 364। क्लियर है। मतलब एक दिन अभी बच रहा है, एक दिन ही बचा और लीप ईयर हो गए, तो कितने दिन बचेंगे, 2 दिन बचेंगे। क्लियर। तो इस पर बेस्ड हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि जो 53rd संडे क्या होगा, 53rd वेनेसडे, 53rd मंडे, इस टाइप से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। क्लियर है। इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोबेबिलिटी का, ये जल्दी से उसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी से भी मिल सकता है देखने को। तो ये हमने पूरा बता दिया रिकॉर्ड प्रोबेबिलिटी वाला। कार्ड्स पे इंपॉर्टेंट है, कॉइंस, बॉल्स, और ये वाला लिपियर वाला। क्लियर है। अब इसमें नॉर्मली एक एग्जांपल ले लीजिए, कुछ नहीं है, कि मान लीजिए 52 तो फिक्स है भैया, 52 संडे होंगे, 52 मंडे होंगे, 52 ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सब 52 होंगे, बट नॉन लिपियर में बता रहे हैं पहले। नॉन लिपियर में क्या बचा है, एक दिन बचा है। तो ये पूछ सकते हैं कि नॉन लिपियर में 53 संडे होने के चांसेस, 53rd मंडे होने के चांसेस। तो जो भी पूछें तो उसके लिए डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, एक दिन बचा है 7 में से, 7 डेज हो सकते हैं, पर होगा कोई एक ही, तो 1/7 उसी पर्टिकुलर के लिए। और अगर ये पूछते हैं लीप ईयर के लिए, तो लीप ईयर में अब 2 दिन बच रहे हैं, 365, 366, तो 2 दिन में से किसी एक दिन हो सकता है, 2/7। तो इस टाइप से आप किसी के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए चलेगा, संडे से लेके सैटरडे तक, और इसमें भी संडे से लेके सैटरडे तक। क्लियर है। इंपॉर्टेंट पार्ट था प्रोबेबिलिटी का, जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसको रफ करके देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर का क्या है। अच्छा लग रही है वीडियो, जल्दी से लाइक दिखा दीजिए, दिल दिखा दीजिए, थोड़ी सी और एनर्जी आ जाएगी भैया फिर आपके लिए। जल्दी से ठीक है ना भैया, नेक्स्ट कौन सा ले लेते हैं चैप्टर, स्टैटिस्टिक। क्लियर है। स्टैटिस्टिक में मेन क्या है, मेन मीडियन मोड, बस यही है मेन, और नहीं है इसमें मेन कुछ, ठीक है भैया। तो मीन पता होना चाहिए, मीन एवरेज होता है। 3 सीरीज होती हैं, पहले डायरेक्ट आती है, अरे नॉर्मल मीन्स इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट, एंड थर्ड वन इज ग्रुप्ड।
क्लियर है। तीन सीरीज रहती हैं मीन मीडियन मोड, तीनों में मीन मीडियन एंड मोड क्लियर है। तीनों में तीन तीन सीरीज में आ सकता है क्वेश्चन। इंडिविजुअल डिस्क्रीट ग्रुप, इंडिविजुअल में क्या रहता है ओनली एक्स गिवन रहेगा, इंडिविजुअल में ओनली एक्स गिवन रहेगा, डिस्क्रीट में एक्स एंड एफ गिवन रहेगा एंड ग्रुप्ड में सी आई एंड एफ गिवन रहेगा। क्लियर है। तो इंडिविजुअल में मीन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, सभी को ऐड करो, नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करो। मीन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है इंडिविजुअल में क्या, सभी को ऐड करिए और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है। मीडियन कैसे फाइंड होता है, मीडियन फाइंड होगा डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स पर, इवन और ऑड पे। क्लियर। देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं फॉर्मूले बता दे रहा हूँ बेसिक से। क्लियर है। देख लीजिए मीन के लिए बता रहे हैं यहाँ पर, मीन डिस्क्रीट में, ठीक है, किस टाइप से एक्स वन प्लस एक्स टू टिल एक्स एन अपॉन एन, ये हो गया मीन। नाउ मीडियन एन इज ऑड, अगर एन ऑड होता है तो पहले आता है हमारा मीडियन नंबर एन प्लस वन वाई टू, इसके हिसाब से आएगा मीडियन नंबर। बट इसमें याद रखिएगा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे पहले अरेंज करना है आपको डेटा को मीडियन के केसेस में। मीडियन के केस में इंडिविजुअल सीरीज होगी तो सभी को अरेंज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग के ऑर्डर में, बट मेनली जिसमें भी आप करना चाहें। क्लियर है। तो मीडियन नंबर निकाल लेंगे, ऑड होगा तो एन प्लस वन वाई टू करके तो वो नंबर आएगा, फिर उस नंबर को मूव करिए उस सीरीज में, देखिए उस नंबर पर कौन सी वैल्यू आ रही है, तो वो जाएगा आपका मीडियन। क्लियर है। इफ़ एन इज इवन, अगर सर एन इवन है तो मीडियन नंबर क्या होता है हमारा एन वाई टू प्लस एन वाई टू प्लस वन। क्लियर है। ये होता है मीडियन नंबर, इन दोनों को मिला के मीडियन नंबर आता है। और यहाँ से मीडियन क्या आता है हमारा, मीडियन आता है डायरेक्ट यही मीडियन नंबर, मीन्स जो भी आएगा दोनों का एडिशन और डिवाइड बाय टू कर देंगे उसको। क्लियर। लेट से एन है हमारा सिक्स, तो ये हो जाएगा सिक्स बाई टू, सिक्स बाई टू प्लस वन मीन्स थ्री प्लस फोर, तो थर्ड का टर्म प्लस फोर्थ का टर्म उनका ऐड करके डिवाइड बाय टू। मीडियन नंबर को मत करना, उनकी जो वैल्यू है उसको करना है सॉल्व। क्लियर है। याद रखिएगा वैल्यू को करना है। मोड में तो भैया कुछ है ही नहीं है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंट टर्म। क्लियर है। जो भी सबसे ज़्यादा नंबर टर्म्स रिपीट हो रहा है टर्म या नंबर, मीन्स जो भी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है वो जाएगा हमारा मोड। इंडिविजुअल सीरीज के लिए मैंने बता दिया तीनों। क्लियर है। आई होप क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा। क्लियर है तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर बताते हैं हम आपको डिस्क्रीट के लिए। जल्दी से नोट करिए इसको, ले लें स्क्रीनशॉट। चलिए इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं इसका सेकंड मेथड के लिए था इंडिविजुअल के लिए। क्लियर। लॉन्ग में फिक्स है ये तो आते ही है, शॉर्ट में भी देखने को मिल सकता है, लॉन्ग में तो फिक्स ही है, आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता है आने से। क्लियर है। डिस्क्रीट के लिए देख लीजिए, पहले मीन के लिए देखते हैं। डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट मतलब एक्स एंड एफ गिवन है, तो डिस्क्रीट में तीन मेथड्स होते हैं सर, बट मेनली फर्स्ट कौन सा होता है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इसमें एक्स बार फाइंड करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन क्या होता है, मतलब इसमें एफ एंड एक्स के दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे सभी प्रोडक्ट्स, और अपॉन करेंगे फ्रीक्वेंसी के एडिशन से या एन से, जिससे भी आप समझ लें, समेशन ऑफ एफ लिख सकते हैं या एन लिख सकते हैं। क्लियर है। मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, और समेशन ऑफ एफ, जिससे भी आप समझ जाएँ। क्लियर है। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड। क्लियर है। इसमें मेनली ये यूज़ करते हैं, पैसे होते हैं तो दो और हैं, वो भी इसमें ज़्यादा यूज़ होंगे ग्रुप्ड वाले में। क्लियर है। तो ये होगा डायरेक्ट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज के लिए मीन फाइंड करना। मीडियन में क्या फाइंड करेंगे सर, एक बनता है एक्स का, एक बनता है एफ का, इसके बाद फाइंड करेंगे आप सी एफ। क्या फाइंड करेंगे सर, सी एफ, सी एफ फाइंड करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बता चुका हूँ कैसे फाइंड होती है, लेट्स सी ये टू थ्री फोर, तो फर्स्ट टर्म सेम रहता है, देन ऐड हो जाएगा टू प्लस थ्री फाइव, फाइव प्लस फोर नाइन, इस टाइप से। और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म होगा वो इक्वल होगा सभी फ्रीक्वेंसीज के एडिशन के, लेट्स सी टू प्लस थ्री फाइव प्लस फोर नाइन, तो नाइन आ गया यहाँ पर इसका लास्ट टर्म। क्लियर है। इसमें मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले वही जो भी फ्रीक्वेंसी का एडिशन होगा, ऑड इवन होगा तो उसके हिसाब से आप फाइंड कर सकते हैं मीडियन नंबर, कर सकते हैं बोलो, कर सकते हैं कैसे, देखो बता दे रहे हैं। मान लीजिए एन है हमारा नाइन ही है अभी इसमें, तो मीडियन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से, नाइन प्लस वन बाई टू, ये आ गया फिफ्थ। क्लियर है। अभी देखना है
ये नीचे से स्टार्ट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में बॉटम से स्टार्ट करेंगे। ये नंबर किससे जस्ट छोटा है और उसके पहले से बड़ा होना चाहिए, जैसे 9 से छोटा है बट 5 के इक्वल है, तो ये 5 ही हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा इसका सी एफ। समझिए ज़रा मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। 5 आ गया यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं 4। क्लियर, 1 मिनट, क्लियर करने के लिए तो 5 ले रहे हैं, 9 से छोटा है 5, और इसके पहले देख ले रहा कि उससे तो छोटा नहीं है कहीं, नहीं भाई उससे तो बड़ा है, दैट मीन्स इसी के बीच में आ रहा है, तो ये जो बड़ा वाला नंबर होगा उसके सामने जो भी x की वैल्यू होगी वो जाएगा मीडियन। आया समझ? मीडियन नंबर फाइंड करेंगे ऑड इवन की हेल्प से, इसको चेक करेंगे बॉटम से, मीन्स हमें उन नंबर्स के बीच में देखना है, एक नंबर से बड़ा हो और एक से छोटा हो, और जो भी बड़ा हो उसके सामने वाली x की वैल्यू हो जाएगी मीडियन, और इक्वल भी होगा, जैसे अभी था इसमें 5 था, तो 5 अगर बराबर होता है, इक्वल है, तो उसी के अपोजिट होगा अदरवाइज लेस होना चाहिए, या तो इक्वल या फिर लेस, तो इसकी जब इक्वल है तो फिर इसके सामने वाला हम लेंगे मीडियन। क्लियर है? अगर इक्वल नहीं है तो लेस वाला। एंड मान लीजिए अगर क्या आता है हमारा इवन आता है नंबर, तो दो नंबर्स आते हैं मीडियन नंबर्स, एक यहाँ पर n/2 से आता है और यहाँ पर n/2+1 से आता है, तो दोनों से एक बार चेक करिए और दोनों की वैल्यू डिवाइड बाय 2, फिर हो जाएगा मीडियन। क्लियर है? n/2 चेक करिए, उसके सामने x की वैल्यू लिखिए, प्लस n/2+1 से चेक करिए, उसके सामने की x की वैल्यू लिखिए, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, वो आ जाएगा हमारा मीडियन। क्लियर है? मीडियन आ जाएगा हमारा। मॉड में क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, हाईएस्ट अगेन फ्रिक्वेंट नंबर, हाईएस्ट फ्रिक्वेंट नंबर, फ्रिक्वेंसी के टेबल में देखिए किस नंबर की वैल्यू सबसे ग्रेटर है, हाईएस्ट है, तो उसके सामने x की वैल्यू हो जाएगी उसका मॉड। सबसे सिंपल है ये मॉड, तो कहते तुम लोग यार परेशान नहीं हो, इतनी इजी से हम फाइंड हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए इसको कर लीजिए, डायरेक्ट मेथड से मैं बता दिया आपको, समेशन ऑफ दिस एफ एक्स अपॉन एन, मीडियन मीडियन में याद रखिएगा थोड़ा अच्छे से, सी एफ में से बॉटम से चेक करते हैं, बट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें भी अरेंज करना है सर, अरेंज करना है इसमें भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि हमने इंडिविजुअल सीरीज में किया था, सेम डिस्क्रीट सीरीज में भी हमें अरेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अरेंज कर लीजिएगा तभी हो पाएगा अच्छे से, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। पहले अरेंज करिए, फिर सी एफ फाइंड करिए, फिर इसकी हेल्प से सॉल्व करिए। क्लियर? जल्दी से इसको नोट करिए, फिर देखते हैं लास्ट मेथड ग्रुप डेटा के लिए। आई होप ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए इसको रफ कर देते हैं, देखते हैं लास्ट ग्रुप डेटा के लिए। क्लियर है? आइए देख लेते हैं ग्रुप डेटा में, जरूर आपको 3 मेथड देखने को मिलेंगे मीन में स्पेशली। फर्स्ट होता है डायरेक्ट मेथड अगेन, इसमें क्या क्या गिवन रहता है, सी आई रहेगा गिवन, एफ रहेगा गिवन, एक्स ऑफ फाइंड करना पड़ेगा सर इसमें, एक्स फाइंड कर लेंगे। एक्स कैसे फाइंड होता है, क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू, लेट्स सी 0 से 10, 10 से 20 है, तो 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, तो जो मिड वैल्यू होती है वो था हमारा एक्स। तो डायरेक्ट में तो भाई वही है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एन, तो एफ ऑफ एक्स ऑफ फाइंड करिएगा, उसके हेल्प से फाइंड हो जाएगा मीन। क्लियर? डायरेक्ट मेथड, बट एक्चुअली नंबर छोटे होते हैं तो ये ईजिली हो जाता है सॉल्व, बट कैलकुलेटिव जब नंबर्स बड़े होते हैं तो कैलकुलेटिव हो जाता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करना, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में क्या करिए आप, सेकंड मेथड अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करिए, अज्यूम्ड मीन। इसमें क्या करते हैं, सी आई गिवन, एफ गिवन, एक्स फाइंड कर लिया है। क्लियर है? तो भाई उसी एक्स में से किसी एक को मान लीजिए ए, सी आई गिवन था, एफ गिवन था, सी आई की हेल्प से एक्स फाइंड किया, तो एक्स में से एक मेनली कोशिश करिए कि कोई सी मिडिल वैल्यू को ही लेट करें ए, दैट इज़ अज्यूम्ड मीन। इसके बाद फाइंड करते हैं इसमें एक्स माइनस ए, मीन सभी एक्स वैल्यूज़ में से ए को सेपरेट करिए, तो यहाँ पर आएगा सभी वैल्यूज आ जाएंगे एक एक करके, और यहाँ पर फिर फाइंड करिए एफ डी, एफ एंड डी का प्रोडक्ट। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा मीन के लिए, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एन, ये होता है इसका फॉर्मूला अज्यूम्ड मीन के लिए। सर अज्यूम्ड मीन के लिए मैंने बता दिया, सी आई गिवन था, एफ गिवन था, एक्स फाइंड किया, एक्स में से एक मिडिल वैल्यू को ऐड कर लिया ए, अज्यूम्ड मीन, फिर फाइंड किया डी, एक्स माइनस ए, एंड देन एफ डी, फॉर्मूला ये हो गया अज्यूम्ड मीन का। थर्ड होता है हमारा स्टेप डेविएशन, इसमें सबसे कम कैलकुलेशन होती है बट लेंथी है, पर इतना उसका प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल ही है, लेंथी जरूर है बट सिंपल भी है भैया। सी आई गिवन, एफ गिवन, एक्स फाइंड कर लेंगे, सी आई गिवन था, एफ गिवन था, एक्स फाइंड कर लिया, एक्स में से अगेन इसमें भी
एक नंबर को मिडिल वैल्यू को ऐड कर लिया ए। अब इसमें क्या फाइंड करते हैं, यू। यू क्या होता है भैया, एक्स माइनस ए अपॉन आई। अब आई क्या है सर, आई या एच जिससे भी आप करना चाहें डिनोट उससे कर सकते हैं। आई होता है यहाँ पर क्लास इंटरवल, मीन्स कितने का डिफरेंस है, क्लास की रेंज। रेंज क्या है क्लास की, लेट्स सी 0 से 10, 10 से 20 है तो 10 हो जाएगी आई की वैल्यू, 0 से 20, 20 से 40 तो 20 हो जाएगी आई की वैल्यू। इस टाइप से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आई या एच की। आफ्टर दैट क्या फाइंड करेंगे, एफ यू। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें, ए प्लस समेशन ऑफ एफ यू अपॉन एन इंटू आई, ये हो जाएगा मीन फाइंड करने का स्टेप डेविएशन से। क्लियर है नाउ, आई होप क्लियर है। अच्छे मेथड्स हैं दोनों, मेनली ये दोनों यूज होते हैं जब भी ग्रुप डेटा पे आता है, क्योंकि इससे थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, दैट्स वाई। मीडियन में देख लेते हैं, मीडियन में कैसे फाइंड करेंगे। मीडियन में सर सबसे पहले इसमें सी आई गिवन रहेगा, एफ गिवन रहेगा, सी एफ फाइंड करते हैं। कर लोगे भैया सी एफ फाइंड, तो बताई थी हमने। इसमें मेनली क्या क्या पूछ सकते हैं, इसमें ओ के पूछते हैं सर एक्चुअली, या फिर ये पूछ सकते हैं लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व या फिर टेबल। क्लियर है, देख लीजिए दोनों में फ़र्क है। लेस देन मोर देन बता चुका हूँ, लेस देन मतलब देखो पहले सी आई गिविन होगा, एफ गिविन होगा, सी एफ अभी नहीं करना है फाइंड, ठीक है रुकिए जरा। अगर लेस देन होगा तो आप लेंगे अपर लिमिट, 0 से 10 है सो लेस देन 10, देन लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, और उसके अकॉर्डिंग सी एफ को ऐड कर देंगे। ठीक है, लेस देन में नॉर्मल ऐड करना है आपको, फर्स्ट एज इट इज़ देन ऐड, देन ऐड, देन ऐड, देन ऐड। मोर देन में क्या करना है, लोअर लिमिट से, मीन मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 50। एंड सी एफ में क्या करेंगे, मोर देन 0 करेंगे तो सभी का एडिशन आएगा, सबसे पहले फ्रिक्वेंसी का, सभी फ्रिक्वेंसी का एडिशन, फिर सबसे ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी को छोड़ के, फिर दो को छोड़ के, तीन को छोड़ के, चार को छोड़ के, इस टाइप से। क्लियर है, मिल जाएगा आपको क्वेश्चंस, काफ़ी आपने देखे भी होंगे। कि ऐसा तो नहीं नए नए स्टूडेंट्स ने पढ़ चुके, पेपर आने वाला है हमारा, इतना तो आपको क्लियर ही होगा। तो अगर इसमें क्वेश्चन पूछते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल, तो ओनली बस टेबल बनाइएगा। कर्व पूछें तो कर्व मतलब ओगे होता है इस टाइप का, यहाँ पर हमारा लेस देन और मोर देन की नोट करते हैं, यहाँ पर सी एफ को नोट करते हैं, यहाँ पर 0 से लेकर 10, 20, 30, 40 इस टाइप से। लेस देन होगा तो 10 आता है, तो 10 और उस पर सी एफ देखिए इस टाइप से प्लॉट होते हैं, तो ये लेस देन के लिए हमेशा टॉप टू बॉटम जाएगा एंड मोर देन के लिए बॉटम टू टॉप आया था। क्लियर है, ओगे ड्रॉ करना है लेस देन या मोर देन, तो लेस देन के लिए इस टाइप से ड्रॉ होगा नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप, एंड मोर देन के लिए टॉप टू बॉटम। और अगर ये कहें कि इसकी हेल्प से फाइंड करिए मीन, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट करें वहाँ से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करिए परपेंडिकुलर, और जिस पॉइंट पे भी कट हो वो जाएगा हमारा मीडियन। क्लियर है, क्लियर इतना पार्ट। और यही होता है हमारा ओ गिव भी होता है एक्चुअली, ये इसी को कहते हैं ओ गिव। ठीक है, अगर लेस देन और मोर देन ओ गिव नहीं हो गिवन तो क्या करना है, सी आई गिवन था, एफ गिवन था, सी एफ फाइंड करिए और उसकी अपर लिमिट लीजिए और ओ गिव की वैल्यू मीन्स सी एफ की वैल्यू। ओ गिव अगर नॉर्मली ओ गिव गिवन है तो सी एफ की वैल्यू और यहाँ से अपर लिमिट की वैल्यू लेते जाइए, प्लॉट कर लीजिए, वो हो जाएगा ओ गिव। क्लियर है ना, मॉड में देख लेते हैं ग्रुप डेटा के लिए क्या करने, इसमें ये हमारा हिस्टोग्राम की हेल्प से हो जाता है, फॉर्मूला भी है एक। ठीक है, इसमें भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी देख लीजिए आप, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। पहले मीडियन के लिए एल प्लस एन वाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। क्लियर, एल क्या होता है लोअर लिमिट, कैसे पता चलेगा लोअर मोर क्या है, इसमें ओनली एन वाई टू ही फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी का एडिशन एक मिनट के थोड़ा सा वो एक्चुअली थ्रॉट में प्रॉब्लम हो रही थी, मोड्स पहले यहाँ फॉर्म लोगे, सबसे पहले एन वाई टू फाइंड करेंगे, एफ का एडिशन एन वाई टू, उसके हेल्प से फाइंड करेंगे सी एफ। देखिए इसमें थोड़ा सा अलग होता है सी एफ, देख लीजिए बता भी चुका हूँ। एन वाई टू कोई भी वैल्यू आती है तो यहाँ पर चेक करिए किससे लेस है और किससे ग्रेटर है, जिससे लेस है उसके सामने वाली एफ की वैल्यू हो जाएगी एफ और इसके पहले वाली हो जाएगी सी एफ। क्लियर है, जो भी जिससे भी लेस हो मीन्स उसके पहले ग्रेटर, उससे पहले लेस होना चाहिए, इससे बाद ग्रेटर, तो ग्रेटर से सामने वाली एफ उसके जस्ट पहले सी एफ। एल क्या होता है, एफ की जो क्लास है दैट इज़ मीडियम क्लास, उसकी लोअर लिमिट होती है एल, एफ बताई थी सी एफ आ गया एन बाई टू आई के, एच क्या होती है रेंज होती है क्लास इंटरवल। क्लियर, इस फॉर्मूले से भी फाइंड होता है ना। मोड के लिए देख रहे थे सी आई एफ हो गया, इसमें कुछ फाइंड नहीं करना है सर, इसमें कुछ फाइंड नहीं करना है,
ये दो टाइप से फाइंड कर सकते हैं, या तो आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं, हिस्टोग्राम बना के बनाइए, तो हिस्टोग्राम में यहाँ पर सी आई आ जाता है, यहाँ पर एफ 0, 10, 20 इस टाइप से, तो यहाँ पर ये बनते हैं इस टाइप से ग्राफ। तो उसके हिसाब से आप बना लेंगे, और जो भी हाईएस्ट रेंज होगी तो उसके दिस साइड से इस साइड को ज्वाइन करिए, इस साइड से इस साइड को, और जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ पर ड्रॉ करके ये हो जाएगा हमारा मोड। क्लियर है हिस्टोग्राम में। और फॉर्मूला इसका क्या होता है मोड के लिए, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। क्लियर है। तो इसमें एफ वन एफ टू एफ नॉट क्या होते हैं, एफ वन होगी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला टर्म, एफ वन हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, उसके पहले एफ नॉट, उसके बाद एफ टू, और एफ वन के अपोजिट यहाँ पर मिलेगा आपको एल। क्लियर है। एच वही क्लास रेंज। क्लियर है। तो ये था हमारा पूरा चिट्ठा स्टेटिस्टिक का। क्लियर है। इसमें से आपको जरूर ग्रुप डेटा बेस से जरूर डेफिनेटली मिलेगा देखने को, अच्छे से देख लीजिए फॉर्मूले, भूलेगा मत स्टेट डिवीजन अजूम मीन डायरेक्ट, मीडियन में भी कस इंडिविजुअल में अरेंज करना है, डिस्क्रिप्टिव में अरेंज करना है, और ग्रुप्ड में लेस देन मोर देन वो गिव फॉर्मूला, हिस्टोग्राम से कैसे करेंगे एंड फॉर्मूले से कैसे करेंगे मॉड। क्लियर है। और इंडिविजुअल और डिस्क्रिप्टिव मॉड डायरेक्ट आ जाएगा फ्रिक्वेंसी की हेल्प से, एंड इंडिविजुअल में एंड डिस्क्रिप्टिव में मीन हमारा डायरेक्ट आ जाएगा सबमिशन ऑफ दिस पॉन एंड करके। क्लियर। जल्दी से उसको नोट करिए, रफ करके देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर का जरा। चलो इसको रफ कर देते हैं। क्लियर। वो भी आ सकता है उस टाइप का कि फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, बीच में मिसिंग कर दें फ्रीक्वेंसी, वो फाइंड करिए। अगर एक पूछते हैं तो उसमें जल्दी से आ जाएगा, बट अगर दो पूछेंगे, दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी तो उसमें हमारी दो इक्वेशन बनती हैं। क्लियर है। तो उसके हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं, और उसमें फ्रीक्वेंसी का सम भी गिवन रहेगा जब दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी उस टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर है। चलिए देख लेते हैं इसमें किस किस टाइप के क्या क्या आ सकता है। एक तो ये देखो दो पॉइंट्स हैं पी एक्स वन कॉमा वाई वन, एंड एक पॉइंट है क्यू एक्स टू कॉमा वाई टू। डिस्टेंस फॉर्मूला पूछ सकते हैं, डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच का, तो पी क्यू इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। क्लियर है। ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ सेक्शन फॉर्मूला, इसमें क्या होता है भैया कि टू पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रहा है, और उसको एक थर्ड पॉइंट या थर्ड लाइन डिवाइड कर रही है, किस रेशियो में कर रही है, क्या कोऑर्डिनेट है उसका, वो पूछ सकते हैं। पी क्यू यहाँ पर अगर एक पॉइंट है आर, तो ये किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है ये बताना है। तो इसके होते हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स वामा वाई। देखिए पॉइंट बताना है तो इसमें रेशियो भी गिवन रहेंगे एम एस टू एन, ठीक है, रेशियो गिवन रहेंगे, तो उसमें फॉर्मूला किसी में m1 m2 था किसी में m एस टू एन, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो किस टाइप से फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट को, m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन अपॉन m प्लस n, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन अपॉन m प्लस n। क्लियर है। ये हो गया इंटरनल डिवीजन, जब जो पॉइंट डिवाइड करा है वो बीच में होगा p एंड q के, अगर बाहर होगा तो उसके लिए वो होता है एक्सटर्नल डिवीजन, उसमें बस कुछ चेंज नहीं, ओनली माइनस आ जाएगा बीच में, एम एक्स टू माइनस एम एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, एम बाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। क्लियर है। ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, ये हो गया इंटरनल डिवीजन के लिए, मेनली इस पे भेज जाएगा। और अगर रेशियो फाइंड करना होगा तो रेशियो वही हमेशा केस टू वन ही लेट करिए, इससे जल्दी आ जाता है, क्योंकि वैल्यू जो भी होगी वो हो जाता है रेशियो, जब भी रेशियो फाइंड करना हो। क्लियर है। ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला, इसी के हेल्प से बनाए मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसी से ड्राइव हुआ है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला में कुछ नहीं है, टू पॉइंट्स गिवन होंगे एक्स वन कॉमा वाई वन एंड क्यू एक्स टू कॉमा वाई टू, तो मिड पॉइंट फाइंड करना है इसका, लेट से एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू वाई टू, वाई वन प्लस वाई टू वाई टू, ये हो जाएगा उसका मिड पॉइंट फार्मूला। क्लियर है। नाउ सेंट्रोइड आता है, एक सेंट्रोइड बताना है अगर हमें, सेंट्रोइड कैसे फाइंड करते हैं किसी ट्रायंगल का, सेंट्रोइड मतलब ऐसा पॉइंट या ऐसा इंटरसेक्शन पॉइंट जिस पर सभी मीडियंस मिलते हैं किसी ट्रायंगल की। क्लियर है।
तो इसका डायरेक्ट आ जाता है सेंट्रोइड एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री वाई थ्री वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री वाई थ्री। क्लियर है? तो इससे आ जाएगा हमारा डायरेक्ट सेंट्रोइड। नाउ आफ्टर दैट और क्या पूछ सकते हैं? ये यहाँ से हमारा मिलता है कौन सा फॉर्मूला, वो क्या था उसमें, वन मिनट, ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीज़न, एक्सटर्नल डिवीज़न, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड। क्लियर है? एंड ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल है आइसोसेलेस, वो आप फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। अगर आइसोसेलेस होगा तो टू साइड से इक्वल होंगी, राइट एंगल होगा तो उसमें पाइथागोरस वेरीफाई होगी, और तीनों साइड इक्वल नहीं होंगी तो स्केलिन ट्रायंगल होगा। क्लियर है? इक्विलेटरल होगा तो तीनों साइड इक्वल होंगी, जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं इस टाइप से बता सकते हैं आप। क्लियर है? रोमबस होगा तो कैसे करेंगे? ठीक, वो रुकिए, उतना अभी आप कन्फ्यूज मत होइए, पहले वो बता देते हैं। सेंट्रोइड हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ये हो गया। स्लोप फाइंड करने के लिए स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? टू पॉइंट्स का स्लोप एम से नोट करते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है इसका टेन थीटा, और एक होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। क्लियर है? ये होता है स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला। ये होता है जब एंगल गिवन हो, और एंगल किसके रिस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिएगा। क्लियर है? अब इक्वेशन आती है इसमें कुछ लाइन की इक्वेशंस। एक होती है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक होती है जब एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, तो वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। और एक इक्वेशन होती है कब? जब दो पॉइंट्स गिवन होते हैं, तो वाई माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर है? तीन इक्वेशन होती हैं लाइन की फाइंड करने के लिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप गिवन है और वाई इंटरसेप्ट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है और टू पॉइंट्स गिवन है। क्लियर है? तो इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। स्लोप बताया गया है, रिफ्लेक्शंस आते हैं, एक पॉइंट के लिए मैं पूरा बता दे रहा हूँ आपको अभी। एक पॉइंट ले लेते हैं टू कॉमा थ्री, इसको अगर हमें एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है तो जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। और जिस एक्सिस में करते हैं उसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। क्लियर है? तो लेट से एक्स एक्सिस पे करना है तो नीचे आएगा, तो एक्स एज इट इज रहेगा टू और वाई हो जाएगा माइनस थ्री। मान लीजिए इसको करना है अब हमें वाई एक्सिस में, तो अब क्या रहेगा? वाई सेम रहेगा, ओनली एक्स चेंज रहेगा, तो माइनस टू कॉमा थ्री। ठीक है? मान लीजिए इसको ओरिजिन में करना है तो दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस टू कॉमा थ्री। वो पर्टिकुलर लाइन में करना है तो लाइन में भी आप डिस्टेंस काउंट करके कर सकते हैं। लेट से इसको हमें करना है एक्स इक्वल्स टू वन में, तो ये वन से कितने डिस्टेंस पर है? एक डिस्टेंस पर है, तो एक डिस्टेंस बीच आएगा तो आ गया यहाँ पर वाई एक्सिस पर, तो ये जाएगा जीरो कॉमा थ्री। क्लियर है? बता दिया मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और लाइन के लिए, ओरिजन के लिए। एंड मान लीजिए अगर इसके लिए करना है हमें एक्स इक्वल्स टू वाई लाइन के लिए, तो कैसे करेंगे? किया है कि नहीं किया ये बताइए। अच्छा लाएँ आपके लिए वाला पार्ट हमने स्पेशली। अगर मान लीजिए एक्स इक्वल्स टू वाई लाइन के अलॉन्ग हमें इसको रिफ्लेक्ट कराना है तो क्या होगा? डायरेक्ट इंटरचेंज हो जाते हैं कोऑर्डिनेट्स, क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज। 2.3 था तो 3.2 हो जाएगी इसकी इमेज। क्लियर? रिफ्लेक्ट होके तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी और क्वेश्चन नहीं रह गया है। एक मिनट में चेक कर लूँ, वैसे हो ही गया है ऑलमोस्ट, हो ही गया है, चलिए ऑलमोस्ट हो गया। इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। स्क्रीनशॉट ले लिया था कि नहीं ले लिया था? ले लिया होगा आई थिंक, नहीं लिया है तो कोई नहीं, रिकॉर्डेड में ले लेना। वही वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ, जो कि आपके साथ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि भाई उनको भी पता चल जाएगा। भाई सबके साथ चलो, भला करो भाई किसी का, क्या बुरा है ना? भला करने में क्या बुरा है? बुरा करने में बुरा है, भला करने में बुरा नहीं है, है ना? सर्किल, सर्किल में है तो प्रॉपर्टीज़ काफ़ी, बट देख लीजिए मेनली। सबसे पहले एक सर्कल है, उसमें अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों की लेंथ क्या होती है? सेम होती है। क्लियर है? पहला पार्ट, लेट से पी ए बी, दैट मीन्स पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। क्लियर है? इसी में देख लीजिए, और यहाँ पर सेंटर से ओ, और अगर सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल क्या फॉर्म हो जाता है? 90।
और इन दोनों का एंगल का सम भी क्या होता है 180, प्रूविंग में आ सकता है, तो कर सकते हैं यार आप। क्लियर है? टेंजेंट्स की प्रूविंग जरूर देख लीजिएगा, टेंजेंट्स प्रूव करना आता है, मैंने बताया आपको एक उसमें भी वीडियो में बताया था, ज्वाइन करके करते हैं उसको कॉन्ग्रेंसी की हेल्प से। क्लियर है? देखिएगा जरूर, नहीं देखिए तो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर एक साइकिल में एक क्वाड है तो सेम सेगमेंट में चार जितने एंगल्स फॉर्म करेगी सर्कमफ्रेंस पर, वो हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। लेट्स से थीटा थीटा थीटा, एक क्वाड अगर चार जितने एंगल फॉर्म करते हैं सर्कमफ्रेंस पर सेम सेगमेंट में, तो एंगल्स हमारे क्या रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं। अगर एक क्वाड है सेम सेगमेंट में सेंटर पर भी फॉर्म करी और सर्कमफ्रेंस पर भी फॉर्म करी, तो अगर सर्कमफ्रेंस पर फॉर्म हो रहा है थीटा तो सेंटर पर कितना फॉर्म होगा, 2 थीटा, जस्ट डबल। क्लियर है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स का सम 180। लेट्स से ए बी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180। एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक और क्या है प्रॉपर्टी, कि एक एंगल इक्वल होगा उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल की। याद रखिएगा कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं, ये एक ये ट्रायंगल के लिए भी बन जाती है हमारी, ये एंगल तो ये इक्वल होगा इसके अपोजिट। क्लियर है? जिस साइड से बना रहे हो साइड के अपोजिट वाला एंगल उसके इक्वल होगा। क्लियर है? नाउ व्हाट, ये हो गया है मेन, ये वाला पार्ट था हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया है, बता ही दिया है, ये हो गया है हमारा। एंड साइकिल्स के एरिया तो आपको पता ही है किस टाइप से फाइंड करते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड सर्कमफ्रेंस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, एंड एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। सेक्टर के लिए लेंथ फाइंड करना हो तो एरिया को तो होता है हमारा फॉर्मूला हाफ एल आर। क्लियर है? तो शाइप से कुछ फॉर्मूले हैं, याद कर लीजिए फाइंड करने के लिए। बट इसमें ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर याद कर लीजिएगा, इन पे भी जरूर आपको मिलेगा देखने को क्वेश्चन। क्लियर? सर्कमफ्रेंस पर कोई भी एंगल फॉर्म करता है कि सेम क्वाड के थ्रू, तो हमारे एंगल इक्वल होते हैं, सेंटर पर करेगा तो उसका जस्ट डबल, और ये वाला प्रॉपर्टी इक्वल होता है एंगल जिसमें अपोजिट एंगल का सम 180 इसमें इक्वल होता है। एंड ये हो गया है, टेंजेंट्स इक्वल होती हैं हमारी, ठीक है। ठीक है, सर्कल में मेनली यही देखने को मिल सकता है बस आपको। क्लियर? और आई थिंक एक पार्ट है वो कैंसिल आउट हो गया है, तो वो करना नहीं है, तो यही है मेन। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? चलिए इसको रफ कर देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। कोसेंटिंग सर्कल्स भी आ सकते हैं, तो उन पर भी पता ही होगा सेंटर सेम रहता है, उसमें रेडियस चेंज रहता है। क्लियर है? नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें x की वेरिएबल की हाइस्ट पावर क्या होती है, 2। लेट्स से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, डायरेक्ट फैक्टर्स करते हैं, फैक्टर्स मतलब मिडिल टर्म को इस टाइप से ब्रेक करते हैं, x को इस टाइप से ब्रेक करते हैं x के टर्म को कि एडिशन पर वही आ जाए, और मल्टीप्लीकेशन पर इन दोनों का प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन पर इन दोनों का प्रोडक्ट आए। क्लियर है? मिडिल टर्म को इस टाइप से ब्रेक करेंगे कि एडिशन पर वही आए, प्रोडक्ट होने पे दोनों का प्रोडक्ट आए। क्लियर है? फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होगा। सेकंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है तो जल्दी से बताइए, लिखिए यस सर यस सर यस सर। क्लियर? ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जब फैक्टराइज नहीं होते तो उसकी हेल्प से आ जाता है, और जब फैक्टर्स होते हैं तब भी इसकी हेल्प से आ जाता है, मतलब ये तो एवरग्रीन मेथड कह सकते हैं इसको, जब फैक्टर्स हो नहीं हो इससे तो आ ही जाएगा। क्लियर है?
एक होता है स्क्वायर फॉर्म वाला, जिसमें परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करते हैं, किस टाइप से बताओ, एक्स का कोफिशेंट, उसका हाफ, उसका स्क्वायर ऐड और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करके बनता है, आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली, क्लियर है। स्क्वायर फॉर्म से हो सकता है, फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। अगर क्वेश्चन में गिवन हो किस मेथड से करना है तो उसी से करना, अदरवाइज़ किसी से भी कर सकते हैं। अगर गिवन हो इससे करना है तो उससे करिए, इससे गिवन हो तो इससे, नहीं है गिवन तो किसी से भी करिए, क्लियर है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, तो भैया डी होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और भैया डी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ग्रेटर देन ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो, क्लियर है। इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, इक्वल टू ज़ीरो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मेरे लिए इस पर बेस क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और इसमें रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव में आ रहा है वो सॉल्व, क्लियर पार्ट, मेनली इक्वल रूट्स पे मिलता है देखने को, ए बी सी डी किसी की वैल्यू पूछ सकते हैं इस टाइप से, क्लियर। डिस्क्रिमिनेंट हो गए हमारे बीस को माइनस फोर सी। अगर हमें रूट्स गिवन है किसी इक्वेशन के अल्फा एंड बीटा, तो उसके हेल्प से अगर हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कैसे फॉर्म होती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब उसके रूट्स गिवन हो में, तो इस टाइप से हम फॉर्म करते हैं, क्लियर है। अल्फा और बीटा कैसे फाइंड करते हैं, रिलेशन होती है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो उसका भी यूज़ होता है कभी कभी, इसका भी यूज़ होता है, मीन्स इक्वेशन के मैंने और कुछ पूछ लेते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं अपन, क्लियर है। तो इसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अब बोन क्यूब के ऊपर डिपेंड है, बट इतना टफ नहीं आएगा, सिंपली आएगा, क्लियर है। बस मेन आपने रियल रूट्स वाला याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा और तो कुछ इसमें, बट सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम पे जरूर आएगा एक क्वेश्चन, स्पीड भी हो सकता है, किसी टाइप का भी बना सकते हैं, एजेस पे बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एक बट प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसको जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, अदरवाइज फिर आप कहेंगे सर आपने बताया नहीं, सर ने बताया था, क्लियर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं लास्ट, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए कंस्ट्रक्शन में एक्चुअली बता तो कुछ नहीं, बस ये बता सकते हैं क्या क्या देखने को मिल सकता है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं बताना। नाउ कंस्ट्रक्शंस, क्लियर है। देखिए सबसे पहला आता है लाइन ड्रॉ करने वाला, तो लाइन पे कम चांसेस है, बहुत ही कम चांसेस हैं कि देखने को मिले, मेन मिलेगा आपको सर्किल पर। सर्किल ड्रॉ करने के लिए आ सकता है सर्किल पर, मिली टेंजेंट के लिए आता है, क्लियर। हो सकता है एक टेंजेंट कराएं, दो टेंजेंट्स कराएं, तो उसका आप जरूर अच्छे से देख लीजिए किस टाइप से ड्रॉ करते हैं कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मेरा भी टेंथ में यही क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, सर्किल पर आया था कंस्ट्रक्शन में, मुझे पूरा वजह से यही रॉन्ग हुआ था, तो इसलिए मेरे 5 मार्क्स कट गए थे, तो कितने आए थे, 95 आए थे, बड़ा उदास हुआ था भैया मैं तो, 5 नंबर चले गए थे बिना फालतू में सर्किल की वजह से कंस्ट्रक्शन का, क्लियर है। तो अच्छे से उसको बनाइएगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो, मेरे तो नहीं आ पाए, आपसे उम्मीद है आप ज़रूर लाएंगे 100 में से 100, क्लियर। अगर पहले का फर्स्ट टर्म का अच्छा गया पेपर तो क्लियर है, पर अच्छा जाएगा, बट इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, अच्छे से ड्रॉ करिएगा एकदम, क्लियर है। तो फिर आज की वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, पूरे चैप्टर्स को हमने देख लिया एकदम बेसिक से, सबका पोस्टमार्टम करके देख लिया क्या क्या बन सकते हैं क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से, क्लियर है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो अभी जल्दी से लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी थोड़ा सा अप्रिसिएशन हो, मुझे भी थोड़ी सा अच्छा लगे, क्लियर है। तो फिर आज की थी हमारी लास्ट वीडियो मैथ्स के मार्कुम के सीरीज़ की, अब करते हैं उसको क्लोज्ड, क्लियर है। मिलते हैं अब जब आप 11th में आएंगे, क्लियर है। बट उसके पहले देखते हैं, अगर एक हद पॉसिबल होगी तो क्लास ज़रूर बनाएंगे। तो फिर एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, इस बार पेपर को एकदम दबा के करिए, बिल्कुल अच्छे से करिए, नीट एंड क्लीन, याद रखिएगा कट्टा पट्टी बिल्कुल नहीं करनी है, पूरा नीट एंड क्लीन करिए, जितना हो सके सफाई बनाए रखिए, और जितना हो सके ईजी वे में सॉल्व करके लिखिए, ना ज़्यादा भरना ना ज़्यादा गंदा सा, एकदम अच्छे वे में, क्लियर है। और अच्छे से रीडिंग करिए, फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिएगा, ज़्यादा क्या कहते हैं परेशान मत होइएगा, एकदम
वरी मत करिएगा किसी भी चीज़ के लिए, पहले जो आ रहा है उसको करिएगा, सिक्वेंस को मेंटेन करिएगा, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट सिक्वेंस को मेंटेन करिएगा और अच्छे से पेपर करिएगा। क्लियर है? बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करिएगा पेपर और बढ़िया मार्क्स लाइएगा। क्लियर है? चलिए मिलते हैं फिर जब उसने चाहा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, वंस अगेन ऑल द बेस्ट।